ये वाला व्लॉग होने वाला है भाई। एक यूट्यूबर का दिन कैसे होता है, सुबह से रात तक क्या क्या करता है यूट्यूबर। जैसे एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 4 जुलाई 2022। मैं हूँ अभी गुड़गांव में। पहले तो ना भाई स्टूडियो में आने का मन सा नहीं करता था गर्मी की वजह से, बट जब से एसी लगे है ना मस्त रहता है यहाँ पे। और ऐसे काम करने का अंदर से मन करता है, यहाँ चलो उठो नहाओ रेडी होके नीचे जाओ और मस्त शूट करो अपने कंटेंट के लिए। आज बहुत सारे काम है हमें, ये जो हमने पूरे पैनल लगाए थे ऑडियो वाले एकुस्टिक फोम, वो सारे उतर चुके हैं वो एक छोटी सी गलती की वजह से, जो की थी इस स्टिकर की। तो अब क्या करे भाई, हो गई गलती केशव से। साथ ही साथ में ये जो एक्स्ट्रा डब्बे पड़े एसी के, ये भी सब हटाएंगे। और यार ये पानी का बड़ा इशू हो रहा है, इसका पाइप ना बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि उल्टा हो जाता ना फ्लो, तो इसलिए अंदर ही करना पड़ा। और हमें यहाँ पे फिर बाल्टी लगानी पड़ रही है इस तरह से। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है बट कोई नहीं भाई, देख लेंगे। ये वाला व्लॉग होने वाला है भाई, एक यूट्यूबर का दिन कैसे होता है, सुबह से रात तक क्या क्या करता है यूट्यूबर। जैसे मेरे 3-4 चैनल है यूट्यूब पे चलाने, जिसको रेगुलर चलाता हूँ, तो वर्क फ्लो क्या होता है, कैसे उठा जाता है। तो अभी सुबह के 12 बज गए हैं, उठा मैं 10 बजे था, बट थोड़ा बहुत काम निपटाना था वो करा और अपना नहा धो के अब मैं नीचे आ चुका हूँ 12 बजे। अब इसके आगे का प्रोसेस आप पूरे ब्लॉग में देख ही लोगे। सबसे पहले देखो भाई, जो मेरा डे रूटीन है ना वो सुबह 10-11 बजे तक शुरू होता है, क्योंकि रात को 2:30-3 बजे जाते हैं सोते सोते, और फिर उसके बाद भाई नॉर्मल बंदे को 7-8 घंटे की तो नींद चाहिए ना, इसलिए आराम से उठता हूँ 10-11 बजे। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम होता है ईमेल्स वगैरह का, वो बेड पे लेटे लेटे कर लेता हूँ, और वो काम करते करते 12 बज जाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं 12:30 बजे नीचे स्टूडियो में आ गया हूँ काम निपटाने के लिए अपना बचा कुचा। तो यहाँ पर हमारा सेटअप रेडी हो चुका है, एक वीडियो का शूट डन है। अब सेकंड वीडियो का शूट करने से पहले मैं खाना खा लूँ, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है भाई। खाना डाल दो, खाना फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये साडा ब्रूनो, इसको तो आप जानते ही होंगे कि हालचाल ब्रूनो, क्या बनाए माते फिर आज जल्दी बताओ। पीली वाली दाल चावल। हमारे घर में भाई दोपहर को जनरली चावल ही बनते हैं। ऐसा क्यों है मम्मी, चावल इतना क्यों खाते हैं हम? किसको शौक है? हाँ पापा रोटी खाते हैं, बाकी सब चावल खा लेते हैं, मस्त सबको टेस्ट करते हैं, और सबसे मेन तो पार्थ है, उसको तो बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद भाई हम काम निपटाते अपने नॉर्मल लाइफ के, जिसमें से कुछ भी काम हो सकता है, मतलब घर का, गाड़ियों से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड। तो बेसिकली इसी टाइम पे अपना एक ब्लॉग भी बन जाता है। तो अभी मैं जैसे जा रहा हूँ बैंक, तो बैंक का काम भी निपटाएंगे और ब्लॉगिंग भी हो जाएगी अपनी इसी टाइम पे। और भाई सिटी में तो मैं टियागो यूज करता हूँ अपना, सीएनजी पे चलाओ या पेट्रोल पे भी चलाओ ना, तो आराम से 20-25 की एवरेज, 20-25 तो नहीं, 15-18 की एवरेज तो दे ही देती है, और बाकी गाड़ी अपनी 6-7 की देती है। तो मस्त है अपना, छोटी मोटी गलियों में जाना हो, बैंक वैंक के काम निपटाने हो, टियागो में जाओ और मस्ती दे। गया भाई बैंक, बट यहाँ पे कभी भी, मतलब रिकॉर्ड रहा है, कभी भी पार्किंग मिलती नहीं है, जबरदस्ती रोड पे खड़ी करनी पड़ती है, देख लो है ही नहीं। अब कहाँ लगाऊ मैं बताऊ, जबकि बैंक पीछे छूट चुका है, उसके भी आगे आया हूँ मैं, यहाँ भी पार्किंग नहीं मिल रही। अब कोई नहीं भाई, करना है काम, अब चलते हैं फटाफट निपटा के आते हैं। चलो जी, अपने बैंक का काम डन हो चुका है, तो गाड़ी कहाँ लगाई है वो आगे जाके, कि यहाँ जो ऑलरेडी पार्किंग के एरिया है ना वो तो दुकान वाले ही हड़प लेते हैं, तो ऑब्वियसली भाई उनकी दुकान है वो तो लगाएंगे ही ना, तो इसलिए फिर नॉर्मल लोगों को जगह मिल नहीं पाती है, दिक्कत ये है। गर्मी भाई बहुत ज्यादा हो रही है, और पता है दिन के ये जो काम होते हैं ना बाहर वाले, पूरे दिन की एनर्जी को ना ऐसे निचोड़ सा देते हैं, फिर शाम तक हालत खराब हो जाती है। अब इतनी गर्मी से बचने के लिए भाई मैंगो शेक पी लिया जाए जरा फटाफट चल के। जो गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा विशाल जूस कॉर्नर कितना ज्यादा फेमस है, एक्चुअली इनके शेक्स के लिए। देखने में इतना सुंदर सा लगता है ना भाई, टेस्ट में तो गजब ही है। सही में बहुत धूप है भाई, और भाई सच्ची बता रहा हूँ, गर्मियों में ना शर्ट पहन के निकलना तो बहुत मुश्किल है, आते ही बदल ली होगी, पसीने पसीने हो रही थी, और टी शर्ट पहन ली है, नीचे ही मस्त शॉर्ट्स पहन ली, अब आराम से खुल्ला डुल्ला हो सकता है बंदा है ना, दिक्कत नहीं होगी। ये सारे काम करते करते भाई मुझे ऑलमोस्ट 3-3:30 बजी जाते हैं, तो दोपहर को मैं क्या करता हूँ, कोई ब्रांड का अगर शूट आया होता है तो वो निपटा लेता हूँ। जैसे अभी ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनका शूट करना है मुझे, बट ये मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि डिपेंड करता है भाई प्रोडक्ट क्या है या फिर ब्रांड कौन सा है। अब जैसे मैं शैम्पू है, मैं वाओ का शैम्पू तो भाई ऑब्वियसली यूज करता हूँ बहुत टाइम से, तो मैं क्या इसको अभी नहीं, जब मैं कल सुबह नहाऊंगा ना, मतलब कल वाले ब्लॉग में सुबह नहाऊंगा, तब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा उसी टाइम पे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स तो हो जाते हैं मैनेज, बट जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं ना जो कहीं भी बीच में डालने हैं, कोई ऐप है, कोई वैसी स्पॉन्सरशिप है, वो सब मैं इस 1-1.5 घंटे में शूट कर लेता हूँ ज्यादातर। अब आज मेरे पास कोई काम नहीं है करने वाला, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कल होंगे सुबह सुबह जब मैं नहाऊंगा, और बचा हुआ काम कुछ बचा नहीं है मतलब, तो इसलिए अभी करूंगा मैं 1.5 घंटा रेस्ट। 1 hour later पैर को एसी चला के आराम करने में जो मजा आता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। और ये जो शाम का टाइम होता है ना 5-5:30 बजे का, ये मैं जाता हूँ भाई लेजर वाली ग्राउंड में। पहले गाड़ी निकालू फिर बताता हूँ क्यों असल में। हो गर्म हो रही है सीटें, खोलो सब। हेलो BMW, ओपन ऑल विंडोज। आई ओपन ऑल विंडोज।
खुल गया ना भाई, सारा मटेरियल ये देखो आगे पीछे, अब पूरी एयर सर्कुलेशन हो जाएगी मस्त, गाड़ी का एसी इफेक्टिव हो जाता है ये चीजें करने से ना, और साथ ही साथ में ये बटन भी दबा दो, हवा सारी बाहर चली जाती है गर्म जितनी भी है, और फिर एसी जो चील्ड मारता है, ओ माय गॉड। अच्छा वैसे जरूरी नहीं है लेजर वैली आता हूँ, मतलब मेन अड्डा यही है अपना रिव्यू वगैरह करने का, बट कहीं भी चले जाते कोई अच्छा ग्राउंड मिल जाए या लेपर ट्रेल चला जाता हूँ तो मेनली ये 5 से 7 के बीच में जो 2 घंटे होते हैं ना ये मेरा रहता है हमारे अनमोल्स गैराज चैनल के लिए डेडिकेटेड, मतलब लोगों को हम बुलाते हैं इसी टाइम पे कि आ जाओ आप अपनी गाड़ी या व्हीकल लेके हम रिव्यू कर देंगे, या मुझे अगर अपनी कोई गाड़ी का या बाइक का रिव्यू करना है तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ 5 से 7 के बीच। तो अभी 5:30 हो गए, हम पहुंच चुके हैं और 1-1.5 घंटा लगेगा, आज हम अपनी फाइनली X7 का एक ओवरव्यू या रिव्यू शूट करने वाले हैं अच्छे से कि इसमें क्या क्या बटन है क्या क्या फीचर्स है, समझ रहे हो ना, तो वो आपको अनमोल्स गैराज पे मिल जाएगी वीडियो 2-3 दिन बाद। चलो जी, या शायद हो सकता है ये व्लॉग जब तक आए आपको तो मिल ही चुकी हो वीडियो, अब जल्दी जल्दी जाते हैं भाई और वीडियो बनाते हैं, आज किसी को बुलाया नहीं है क्योंकि अपनी गाड़ी है ना तो अपनी गाड़ी ही कर लेंगे आराम से। तो यार यहाँ तो मेला लगा हुआ है लेजर वाली ग्राउंड में पूरा, इतना बड़ा मेला भाई, आएंगे फैमिली के वालों को कहता हूँ आज चलेंगे, आज रात देखते हैं या कल देखते हैं भाई, बहुत ही बड़ा मेला यार ये तो, झूले वूले सब लगे हुए हैं लेकिन ओहो भीड़ है क्या है भाई, फ्री में बट रहा है सामान देखना, कितनी भीड़ है भाई साहब, ये टिकट काउंटर है क्या, क्या लिखा है ये द वंडर कार्निवल, नेक्स्ट लेवल चीज चल रही है भाई, अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा शूट करने के लिए। भाई ये भी अच्छा एरिया, यहाँ भी अगर जगह मिल गई तो कर सकते हैं शूट आराम से, हम अच्छे ही है, यहाँ भी भीड़ लग रही है, लोग आए हुए काफी सारे, पर ठीक है हम यहाँ लगा देते अपना काम चल जाएगा। चलो फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे भाई, एक बार मैं शूट निपटा लू, ये 1-1.5 घंटा लग जाएगा, इतनी ज्यादा फीचर है ना इतने सारे इस गाड़ी में तो टाइम लगेगा। फाइनली भाई लोग गाड़ी का आज मैंने अपना रिव्यू शूट कर लिया है, जो बहुत जल्दी आपने शायद देख भी लिया हो, क्या पता यहाँ आने वाला हो 1-2 दिन में, इस लोकेशन पे आ गया था, वहाँ भी भीड़ भड़का हो रहा था ग्राउंड में काफी, तो मैंने कहा यहाँ बनाएंगे मस्त, और करते करते भाई पूरे 1.5 घंटे लग गए मुझे, इतने फीचर थे ना, इतने फीचर थे क्या बताऊं बस, बट हाँ जो इतने दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी अनमोल भाई रिव्यू लेकर आओ गाड़ी का, फीचर्स बताओ बटन्स बताओ किस काम आते हैं, वो सब मैंने फाइनली मेहनत करके आज बनाई दिया, अब निकलेंगे घर। उससे पहले भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं यार पानी लाना भूल गया और अब मेरा गला सूख चुका और दर्द भी कर रहा है, तो देखते हैं भाई कहीं जूस मिल जाएगा तो जूस पियेंगे, या एटलीस्ट पानी मिल जाए, बहुत है यार परेशान हो गया, गर्मी ना मतलब गर्मी की वजह से ही होता है यार मेन, देखो वैसे इतनी दिक्कत नहीं होती कुछ गर्मी, लेकिन आपकी सारी एनर्जी निचोड़ लेती है ना तब दिमाग खराब हो जाता है बहुत वाला। फोन करो भाई एसी चाहिए है, तो वही देख लो भाई घर आते आते 7:10 हो चुके हैं, 2 घंटे अपने पूरा गैराज चैनल को डेडिकेट हो गए। आजा ब्रो चलो लाओ जी तार दो फटाफट पार्थ जी, ये भी आज हमारे घर आए हुए, तीसरी बार कपड़े बदल रहा हूँ भाई आज दिन में, देख लो इतनी गर्मी है पसीने से सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। और यार ये जो रात का टाइम है ना ज्यादातर फैमिली टाइम ही रहता है अपना, इधर उधर घूमने फिरने जाना है, मंदिर जाना है, कभी पार्थ होके चले गए या फिर गाड़ी में गेड़ी लगाने चले गए घर वालों के साथ, तो 7 से 9 या 10 बजे के बीच में काम हो जाता है अपना ये वाला, आज कहीं भी जाना नहीं है हमें, तो इसलिए मैंने सोचा अपने जो रात वाले काम है ना वो मैं थोड़े जल्दी निपटाना शुरू करूं। तो अपना जो गेमिंग रूम है इसमें हमने एक ये वाला पीसी रखा हुआ है जिसमें सारे इनवॉइस बनते हैं, तो अभी फिलहाल एक ब्रांड को इनवॉइस अर्जेंट में भेजना है वो ही बनाने यहाँ पर आया हूँ। देखो वो पीसी कनेक्ट कर रखा है इस वाले मॉनिटर से, और अपना जो गेमिंग पीसी है वो कनेक्ट है इस वाले से, तो अब मेरे को तो सिर्फ ये वाले कीबोर्ड यूज करके नॉर्मली इनवॉइस बनाना है अपना। और हाँ भाई मैंने कोई भी अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ है, जितने भी फाइनेंशियल्स है वो सब मैं ही संभालता हूँ, सीए जरूर है वो जरूरी भी है, बट अकाउंट्स के मामले में हम ही देख लेते हैं कितनी ट्रांजेक्शन आ रही है कितनी जा रही है कहाँ इनवॉइस देना है कहाँ पे, समझ रहे हो ना। इनवॉइस बना लिया भाई, पर मेरा जो यहाँ वाला प्रिंटर है ना ये खराब पड़ा है, तो इसलिए जो मेरे बेडरूम में प्रिंटर रखा हुआ है वहां से प्रिंट निकाल के साइन मारना पड़ेगा। इस रूम में बहुत गर्मी लगती है, एसी नहीं है ना, आग की तरह भौंक कर है। और साथ ही साथ में भाई रात को मेरा मेन काम होता है रिसर्च का, जी हाँ, कि हमें कंटेंट क्या बनाना चाहिए, नए नए टॉपिक्स ढूंढना, या फिर जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आए हुए जैसे कि एक ये एसर का लैपटॉप आया हुआ है इसके ऊपर हमें एक वीडियो बनानी है प्रॉपर रिव्यू की, तो इसके बारे में मैं अच्छे से रिसर्च करूंगा अपने उस वाले पीसी पे बैठ के। यहाँ पे भाई एसी भी है, एसी ऑन करते हैं, पसीने पसीने हो गया, एक बार इनवॉइस का काम कर लूं फटाफट से ताकि ये काम निपटे। देखो यहाँ पे प्रिंटर लगा रखा है मैंने, ये वाला चलता है तो इससे प्रिंट निकाल लूंगा, और उस पीसी से इस पीसी पे मैंने नेटवर्क लैन के थ्रू भेज दिया। देख रहे हो मतलब कनेक्शंस के ऐसे तगड़ी तगड़ी चीजों के कर रखे मैंने, हर काम परफेक्ट हो जाए। देखिए तौलिया छोड़ने की बड़ी बुरी आदत है, आजकल पीसी कितने फास्ट हो गए हैं, मतलब अभी क्लिक करा 1 सेकंड में स्टार्ट भी हो गया, वरना पहले के जो हार्ड डिस्क वाले पीसी होते थे रैम कम होती थी प्रोसेसर स्लो होते थे,
5 मिनट तो भाई ऑन होने में विंडोज लोड होने में लगा देता था। लो जी आ गया अपना इनवॉइस। ये देखो एक ये प्रोडक्ट आया हुआ है, इसका भी शूट पेंडिंग है। अब इसके बारे में तो ज्यादा रिसर्च नहीं, इसको तो सिर्फ अनबॉक्स करूंगा और अनबॉक्सिंग वाला पार्ट शूट करके रख दूंगा और उसके बाद 6-7 दिन यूज करके फिर रिव्यू बनाएंगे। अभी फिलहाल मुझे पेन चाहिए, बहुत कमी है भाई घर में पेन की, मिलता ही नहीं है टाइम पे। इस ड्रॉअर में भी नहीं होगा देख लेना। मिल गया जी मिल गया, साइन करके फटाफट से स्कैन मार के भेज देता हूं। और जी हाँ भाई लोग, यूट्यूब की इंडस्ट्री में रात को भी काम चलता है, मतलब क्रिएटर तो करता ही है, साथ में जो भी एजेंसीज होती है ना वो भी रात में काम कर रही होती है 10-11 बजे। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि 12 बजे रात को मेरे पास फोन आया, सर अर्जेंट कैंपेन है, कल सुबह लाइव जाना कर दोगे? मैंने कहा पैसा आ रहा है तो कर ही देंगे भैया, क्या करें, अब नींद वींद कुर्बान करनी पड़ती है कभी कभी। यहीं पे अपना डिनर भी पड़ा है, क्या चीज है ये भाई? ओके चटनी, अच्छा इडली सांभर है। और डिनर के टाइम पे भाई नॉर्मल यूट्यूब एक्सप्लोर किया जाता है, जो अपने बाकी क्रिएटर्स है उनकी वीडियोस देखी जाती है। रेगुलर किसी को मैं फॉलो नहीं करता हूँ अभी फिलहाल में तो, पर जिसकी दिख जाती है ऊपर ऊपर है कोई कॉमेडी वीडियो दिख जाती है तो देख लेता हूँ, ब्लॉग में मन नहीं करता मेरा देखने का ज्यादा। अपना सारा काम निपटाते निपटाते भाई राहत हो गई, और कितने बज गए? ये देखो जी 2:36, और अभी थोड़ी सी भूख सी लग गई थी तो आइसक्रीम पड़ी हुई थी, मन का हल्की फुल्की खा के सो जाएंगे फिर, है ना। इसको डालना मुश्किल हो रहा है बट ये क्योंकि इतनी ज्यादा जमी पड़ी है, वैसे सोऊंगा नहीं अभी, काम है थोड़ा सा, वही 3:30 तक तो बजी जाएंगे सोते सोते। भाई रोज का सीन है, कहीं आपको लग रहा है आज आ जाए, ऐसा नहीं है, रोज ही होता है। और इसलिए फिर सुबह 9-10 बजे से पहले तो आँख खुलती नहीं है किसी भी हालत में, अब क्या करें भाई, रात को ही काम हो पाता है शांति से दिन में, वरना इधर से उधर फोन बजते रहते कभी कभी, रात में कुछ फोन नहीं कोई काम नहीं, अपना बैठ के शांति से अपने अपने जितने भी काम है वो निपटा लो। चलो जी तो ये था भाई एक फुल टाइम यूट्यूबर के दिन का पूरा शेड्यूल, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या होता है। 3 बज गए हैं, काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। अब मैं एक ऐड चीज करने की सोच रहा हूँ अपने शेड्यूल में, कि रात को ना भाई नोटपैड में फोन के ना लिख लूँ कि कल मेरे को क्या क्या काम करने हैं सुबह, क्योंकि मैं उठता हूँ ना लेट 10-11 बजे तो फिर ऐसे आलस आलस ही आती रहती है पूरे दिन, और ज़्यादा मैं प्रोडक्टिविटी वाला काम कर नहीं पाता। तो एक बार मैं रात को ही लिख लूँगा ना फाइनल कि हाँ ये काम करना है, तो फिर सुबह उठ के आराम से मस्त हो जाएगा, है ना। कैसा लगा ये बताना जरा कमेंट सेक्शन में। बाकी इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो मेरी लाइफ से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक उठा के, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं बढ़ना फीका। Sees me, I'm losing every battle.